कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, सुदेश जी बोल रही है जी सुदेश जी, कहाँ से बात कर रही हैं? यमुनानगर से जी। जी बताएं, सवाल करें। जी मैं ना खड़ी नहीं हो सकती, ऊंची चौकी पे बैठ के खाना बनाती हूँ घर का और सारा खड़ा काम होकर मेरे कर, से खाना नहीं बनता, मेरे टांगों में सहारा नहीं है, शरीर भी सारा वीकनेस में है। उम्र कितनी है आपकी? 61 साल और घुटने में भी है, घुटनों का काढ़ा गोंद तो खा रही हूँ जी, पर मैं भी योगा करती हूँ तभी मेरे को आराम नहीं आया भी मैंने सुना। अच्छा, योगा कौन सा करती है? यही टांगों वाला करती हूँ जी, वो थोड़ा घुटनों की कर लो, साइकिलिंग वाली भी कर लो, थोड़ा सा 2-4 बार वो वेट लूज करने वाला भी कर लो। अच्छा, आप कब से गौंसिया ले रही हैं? गोंद सियार तो मेरे को 3 महीने हो गए जी, बस थोड़ा सा रह रहा, खत्म होने वाला है ठीक है ठीक है। जी। अच्छा देखिए, अगर आपने वो एक्सरसाइज की जो ने बताई है तो आप कभी ठीक नहीं हो सकती, उस एक्सरसाइज से आप कभी ठीक नहीं हो सकती। वो साइकिलिंग और वो जो कुछ बाबा बताते हैं वो बिल्कुल ना करें, तब गौंसिया खाएं। इसमें एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है, टांगों की एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है। जिसके कमर में, टांगों में, घुटनों में तकलीफ़ हो उसकी एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है, वो बिल्कुल रोक दीजिए। और कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें अपनी ज़रूरत में, अगर आप ये भी करती हैं। और झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, अगर करती हैं तो रोक दीजिए, तब गौंसिया खाएंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी लखनऊ से हैं आरबी वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शैलजा जी। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद वर्मा साहब, बहुत आपका स्वागत है। सर अभी 2 दिन पहले बात हुई थी लेकिन कुछ मेरा क्वेश्चन रह गया था, उसका आंसर ना है कि हाइपर थायराइडिज्म है हमारी पत्नी को और एज है 62 साल, 62 साल एज है, हाइपर थायराइडिज्म है, इसका नुस्खा बता दीजिए, और सूखती जा रही है, 8 किलो वजन घट गया जी। और दूसरी बात यह है, क्या हाइपर और हाइपो का एक ही नुस्खा है? तकरीबन जी जी। हाँ, अब बताइए। देखिए, हाइपर और हाइपो का तकरीबन एक सा नुस्खा है, थोड़ा सा फर्क है। और इसमें होता क्या है कि गले में यहाँ ग्लैंड्स हैं जो अपना काम गलत करने लगते हैं, वो इम्प्रेस हो जाते हैं। तो एक होता है वज़न कम करने वाला, एक होता है ज़्यादा करने वाला। तो जिसका वज़न कम हो रहा है उनको चाहिए कि ये नुस्खा लें जो मैं बता रहा हूँ। धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम। धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और इसमें 100 ग्राम मिलाना है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, इसको खूब बारीक पाउडर बना लें और आधे से एक चम्मच एक बार में खा सकते हैं। सुबह अपनी गोली के जो आप दवा खाते हैं इसकी, उसके आसपास खाना है और रात को सोते समय खाना है, पानी के साथ खाना है, और इसे इस्तेमाल करें तो आपको पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है जी। आशा रानी जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। मेरे ना लत्ता से बहुत दर्द होता है, नसा मतलब बहुत ज्यादा नीलिया नीलिया बाहर आ रही हैं। नसों में दर्द होता है, नीली नीली नसें बाहर आ रही हैं, यानी वो फूल रही हैं। अच्छा, टांगों की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, टांगों की। ठीक है ठीक है। देखो, ये नसों में दर्द होना, नीली नीली नसें बाहर आना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, थाइज में दर्द होना, पंजों में दर्द होना, ये एक उम्र जिन जब हम 40-45 के हो जाते हैं उसके बाद कभी भी ये तकलीफ़ हर आदमी को आती ही है। अब इसका एक इलाज है बहुत अच्छा, और इलाज से पहले हिदायत है।
हिदायत ये है कि जिनको भी ऐसा तकलीफ हो वो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, कुर्सी वाले शौचालय का यूज़ करना शुरू कर दें और झाड़ू पोछा करना बंद कर दें। ये दो बातें पर गौर करें, इन्हें रोक दें। और गौंद सियाह आता है, एक आता है गौंद सियाह जिसे काला गौंद भी कहते हैं, ये मार्केट में नकली बहुत मिलता है, असली आप ले पाएँ गौंद सियाह यानी काला गौंद ख़रीद लीजिए। 100 ग्राम भी मिल गया असली तो आपका काम हो जाना चाहिए। ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, इतना बड़ा सा आता है काला, जायके में कड़वा होता है। इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 2 चुटकी रात को खाने के बाद दूध या पानी से यूज़ कर लिया करें। अगर 100 ग्राम भी आपको मिल गया तो इसमें इतनी ताकत है कि 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है।